जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ते में महर्षि का बहुत बड़ा पार्क पड़ता है, ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी मूर्ति है। फिर ये देखिए रास्ते में ही पड़ता है, मतलब इसके जस्ट पीछे ही पड़ता है। चलिए जल्दी से पहुंच चलते हैं। बाप रे। हाँ तो ये देखिए जवाहर तारा मंडल प्लेनेटेरियम, और इस टिकट जो है वो 60 रुपये का। चलिए टिकट ले लेते हैं फटाफट। और ये टिकट है, टिकट काउंटर आप देख सकते हैं, एकदम जस्ट गेट के अंदर ही है वो जो बोर्ड लगा हुआ था। और ये देखिए यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग होती है, नॉर्मल कोई आदमी नहीं गार्ड बैठा रहता। और ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है पहला व्यू, देख रहे हैं आप। और ये देखिए मेरे को क्या दिखाएगा, रॉकेट, ये इसरो का रॉकेट होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए इसमें चलिए पूरा एक चक्कर लगाते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पार्क है कितना सुंदर है। और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू का, आपके टिकट का जो नंबर है उसमें एक नंबर पे एक सर्कल होगा, तो वो जो सर्कल है वो आपका सीट नंबर है। और ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं अलग अलग, एक तो प्लेनेटेरियम है ये देखिए कुछ इस तरह का। और चलिए इसके अंदर अब जाने के लिए लाइन खुल चुकी है, इसके लिए टिकट पे जो समय दिया गया था उसी समय के अनुसार हम उसके अंदर जा सकते हैं, जैसे हमें 5:15 का मिला था। तो चलिए आप ये देखिए कुछ अंदर का व्यू कुछ इस तरह का होता है। यहाँ कुल मिला के सारी चीज़ें वही तारामंडल की चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक शो चलेगा कुछ देर में, बस उसका व्यू खुलने वाला है। और ये देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये है हमारा सैटेलाइट, सबसे पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। और ये जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो नहीं मतलब मूर्ति लगी हुई है ये देखिए। और अंदर इसरो का एक और रॉकेट रखा हुआ है, और यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते। और ये देखिए कुछ तारों की वो दिखा रखी है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल है, वाटर रिएक्टर, इसकी मदद से जो बिजली बनाई जाती है। कुछ इस तरह से चलिए देखिए गेट खुल चुका है, अब चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाया जाता है जिससे हमें सारा तारामंडल उसके बारे में समझाया जाता है, और जैसे हॉल नहीं होता उसी तरह का ये 3D में होता है। यहाँ चारों तरफ प्रोजेक्टर लगे रहते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से जो लाइटें लगी हुई हैं उसी की जगह पर प्रोजेक्टर लगे रहते हैं। और ये सीट है यहाँ की, ये कुछ इस तरह की। अब अंधेरा है थोड़ा सा, आप सुन सकते हैं अगर आप ध्यान दें तो। आपके टिकट का जो नंबर है उसमें एक नंबर पे एक सर्कल होगा पेन से, तो वो जो सर्कल है वो आपका सीट नंबर है। आप लोगों ने सही सुना, वो आपकी सीट नंबर है। धूरी की नारंगी आभा के मध्यम होने के साथ ही आकाश में ये तारे दिखाई देने लगे। पहले तो केवल चमकीले, और कुछ समय बाद वाह कितना खूबसूरत नजारा है। आकाश में ये चमचमाते तारे मनुष्य को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। पृथ्वी को पार करते हुए कई हजार किलोमीटर दूर पहुंच गए। आइए अब हम अपने घर की एक आखिरी झलक ले लें। माफ करें बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें सब ऊपर प्रोजेक्टर में दिख रहा है अपने उपग्रह चंद्रमा के साथ। और आप सुन सकते हैं प्रेम व सौंदर्य की देवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ग्रहों से अगर बस कुछ ही दूर है। आकार में यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग है। कहीं
कार्बन डाइऑक्साइड का अति सघन वायुमंडल और उसके ऊपर छाए सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हमारे लिए इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। इस पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश का कुछ ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल अंदर ही कैद कर देते हैं। इसी कारण तापमान बढ़कर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है और भयभीत करने वाली बात ये है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अंग के खतरनाक कोने ग्रह की सतह में पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती है। कैसी नारकीय दुनिया है ये। तो चलिए इसी के तरह शो ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए सब लोग उठ रहे हैं, काफ़ी ज़ोरदार और धमाकेदार था, मज़ा ही आ गया। इसके लिए मुझे खेद है कि आपको वो सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि प्रोजेक्टर की लाइट काफ़ी कम थी, लेकिन अच्छा था, बढ़िया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं।